आइस मॉन्स्टर जाओ, बाबा गोलू मोलू रोड को खत्म कर दो, वो यही आ रहे हैं। सारे आइस मॉन्स्टर बादल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। आइस मॉन्स्टर चुपचाप से हमारे रास्ते से हट जाओ। हम नहीं हटेंगे बाबा, हम तुम्हें मारने आए हैं। तभी आइस मॉन्स्टर बादल को फ्रीज कर देता है और सभी बादल के साथ नीचे गिरने लगते हैं। बाबा बचाओ हमें। बाबा जादू से सभी के पीछे पैराशूट लगा देते हैं और सभी बच जाते हैं। सारे मॉन्स्टर नीचे आ जाते हैं और बाबा गोलू मोलू रॉड को घेर लेते हैं। तभी पीछे से ट्रांसफॉर्मर आता है और सारे आइस मॉन्स्टर को मारने लगता है। लावा मॉन्स्टर खत्म कर दो सारे आइस मॉन्स्टर को। लावा मॉन्स्टर सारे आइस मॉन्स्टर को जला देता है। गोलू मोलू रॉड, अब हमें जल्दी से जेसन के पास जाना होगा। पर बाबा हम जाएंगे कैसे, आइस मॉन्स्टर ने तो फ्रीज कर दिया है बादल को। बाबा जादू से जीप मंगवाते हैं। गोलू मोलू रोड जल्दी से इस जीप में बैठो। ठीक है बाबा। सभी जीप में बैठ जाते हैं और जेसन के पास जाने लगते हैं। सारे आइस मॉन्स्टर के मरने के कारण जेसन अकेला पड़ जाता है और वो मोंटी को प्लेन से लेके जाने लगता है। तभी रास्ते में रॉड जेसन को देख लेता है। बाबा वो देखो जेसन भाग रहा है। जेसन रुक जाओ वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाबा तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। बाबा को गुस्सा आ जाता है और बाबा जीप को हवा में उड़ा देते हैं और जेसन की प्लेन के आगे आ जाते हैं। बाबा हट जाओ मेरे सामने से। जेसन अपने जादुई डंडे से बाबा पर बिजली मारता है और बाबा वहीं बेहोश हो जाते हैं। तभी जेसन गोलू को पकड़ लेता है और उसे लेके वहां से चला जाता है। जेसन अपने खुफिया चमत्कारी दुनिया में आता है। जेसन एक मंत्र पढ़ता है और खुफिया रास्ता खुल जाता है। जेसन उस खुफिया रास्ते के अंदर चला जाता है और वो रास्ता बंद हो जाता है। जेसन प्लेन से नीचे आता है और उसका इंतजार जेफ द किलर कर रहा होता है। जेफ ये रहे गोलू और मोंटी, इन दोनों को पकाने की तैयारी करो। गोलू और मोंटी को जेफ द किलर बांध देता है और जेसन वहां ढेर सारी लकड़ी लेकर आ जाता है। थोड़ी ही देर में बाबा को होश आ जाता है। बाबा देखते हैं गोलू नहीं है। गोलू कहाँ गया? बाबा जेसन गोलू को लेके चला गया है। हमें जल्दी से गोलू को बचाना होगा। अब वो बाबा यहाँ नहीं आ पाएगा। क्या बाबा बचा पाएंगे गोलू और मोंटी को, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में।